T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल के बाद से पाकिस्तानी अवाम बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि पाकिस्तान का मैच भारत से होने जा रहा था, मगर पाकिस्तानी शायकीन को उस पर धचका लगा जब T20 वर्ल्ड कप से पहले एक नया ये जो पिंडोरा बॉक्स है ये क्यों खुल गया, इसकी वजूहत क्या, तुम्हें कब से क्या अरब ममालिक की बड़ी ख्वाहिश है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने। आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने गिरबानों में जाने की जरूरत है, अपने गिरबान में जाने की जरूरत है। आपने कितनी अच्छी क्रिकेट खेल लिया है। इंडिया ने अभी से जो है वो इस पे काम करना शुरू कर दिया और यही वजह है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे मिस्टर कूल एक चैंपियन कैप्टन को उन्होंने एज ए मेंटोर भेजने का फैसला किया। इंडिया की टीम के पास ज्यादा बासलाहियत, ज्यादा परफॉर्मर्स, ज्यादा अच्छे मैच फिनिश करने वाले इंफरादी तौर पर भी और टीम की हैसियत से भी उनके पास ज्यादा अच्छी चीजें मौजूद है पाकिस्तान की नस्बत। उनमें ये एबिलिटी हमसे थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि अगर हम 2-3 विकेट गिरते हैं तो हम थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे चले जाते हैं, लेकिन अगर इंडिया को देखें तो इंडिया अटैकिंग पे जाता है। ये फर्क खत्म करना पड़ेगा पाकिस्तान को। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जैसे जैसे 24 अक्टूबर नज़दीक आता जा रहा है, ये काउंटडाउन चालू हुआ है, जब से ही भारत और पाकिस्तान के लोगों की धड़कनें बहुत तेजी से धड़कना शुरू कर चुकी है। हाँ, हिंदुस्तानी हमारी टीम को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, लेकिन पाकिस्तानी क्योंकि मैं चूतिया हूँ ओवर कॉन्फिडेंट है। मेरा दिमाग चूतिया है, मैं जानता हूँ। उनको ये लगता है कि अगर हमने भारत को हरा दिया तो हमने वर्ल्ड कप भी जीत लिया। पाकिस्तान इंडिया से ना हारे, बाकी किसी भी टीम से हार जाए, जब इंडिया से हारते हैं तो वो दिल पे जाके लगता है, बस इंडिया से नहीं हारना। क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में अगर कोई देश सबसे ज्यादा अव्वल है तो वो है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। सही बात है यार, पाकिस्तान के अंदर सारे गधे ही नहीं रहते, कुछ परसेंट लोग समझदार भी रहते हैं और समझदार लोग समझदारी भरी बातें करते हैं और समझदार लोग मोस्टली सारे हिंदुस्तानी अप्रिशिएट करते हैं, जो लॉजिकल बात करते हैं, जो यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े ना कि मदरसे में। तो पाकिस्तान क्रिकेट के एक्सपर्ट है याया खान, इन्होंने जो रवीज राजा ने बयान दिया था कि चाइना को क्रिकेट पे खिलाएंगे और BCCI का पावर खत्म कर देंगे और हम अमीर बोर्ड हो जाएंगे और पैसे के दम पे, तो एकदम सटीक जवाब दिया। आपको ये जवाब सुनना चाहिए, आपको बड़ा मजा आएगा। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है। तो ये जो नई चीज सामने आ रही है और इंटरेस्टिंग भी लग रही है याया, ये जो चाइना की टीम बनाने की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि कितना सक्सेसफुल रहेगा ये वाला वेंचर और कितनी इम्पोर्टेंस हम बढ़ा सकते हैं चाइना को क्रिकेट में ला करके, और ICC में हमारी वर्थ जो है वो कितनी बढ़ सकती है अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है जिस तरीके से कहा जा रहा है। चाइना को क्रिकेट में लेकर आएंगे और चाइना के क्रिकेट में आने से जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट ही नहीं दुनिया की क्रिकेट में पैसा भी आएगा। मैं इसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एक दीवाने का ख्वाब मैं ये जरूर कहूंगा कि रमीज हसन राजा साहब एक फॉर्मर क्रिकेटर है, वो बातों के गुफ्तार के भी राजा हैं और उन्होंने वक्तन फवक्तन इस बात को भी साबित किया है। देखिये, चाइना की क्रिकेट में एंट्री अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए उनके पास खिलाड़ी भी होने चाहिए, इसके लिए उनके पास स्किलफुल क्रिकेटर्स भी होने चाहिए। शायद आपकी मालूमात में इजाफा हो। नहीं तो हम अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं याया, PCB सपोर्ट कर सकता है, राइट? तो मेरा ख्याल है कि अगर इतनी ही पैसे के साथ और अच्छे कोचेस के साथ टीमें बन सकती हैं आयशा, तो मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब की बड़ी ख्वाहिश है, अरब ममालिक की बड़ी ख्वाहिश है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन तो दूर की बात, वो 32 टीमों में हर 4 साल के बाद जो वर्ल्ड कप होता है हर साल क्वालिफाई कर नहीं पाते। अगर पैसों के बलबूते पर टीमें बनना शुरू हो जाती है, अगर पैसों की बलबूते पर आप अच्छे कोचेस से जो है वो कोचिंग ले लेते, तो मेरा ख्याल है कि ब्रुनाई दारुसलाम की क्रिकेट टीम आज बेहतरीन क्रिकेट टीम होती, सऊदी अरब की क्रिकेट टीम आज बेहतरीन क्रिकेट टीम होती, कोच आपको सिखा सकता है। नहीं तो क्या चाहिए, क्या चाहिए, मतलब अगर चाइना की टीम हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या है?
देखिए आशा, मैं आपको यही बता रहा था कि एक लंबे अरसे से माजी में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स चाइना में जाते रहे हैं और चाइना में क्रिकेट के हवाले से वहां पर काम करते रहे हैं। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम दुनिया में आगे बढ़ने की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन चाइना क्रिकेट में आ जाएगा और वहां पर क्रिकेट जो है वो दुनिया में पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका की तरह मकबूल है, इस तरह चाइना में भी हो जाएगी। ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा जल्दी हो गया है और बहुत ज्यादा हो गया है। चाइना क्रिकेट में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वहां पर भी लोगों में क्रिकेट का जोश तो फरोश होना चाहिए, वहां पर भी लोगों में क्रिकेट का पैशन होना चाहिए कि वहां की कंपनियां तभी आएंगी जब वहां पर स्टेडियम क्रिकेट मैचों के दौरान भरे। अभी तो वो लोग बिल्कुल चूसनी मुंह में लेकर बैठे हुए हैं। तो आप बात कर रहे हैं कि जी वो क्रिकेट में कदम रख देंगे, वो पैसे लेकर आ जाएंगे, बिल्कुल पैसे लेकर आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कह देना कि जी वो बेहतरीन टीम बन जाएंगे, तो भाई आप तो 1952 से क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कितनी बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, आप कितनी बेहतरीन क्रिकेट खेले हैं, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने गिरेबानों में झांकने की जरूरत है, अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, आपने कितनी अच्छी क्रिकेट खेली है। पाकिस्तान में तो गली मोहल्ले में क्रिकेट होती है, स्कूल का बच्चा क्रिकेट खेलता है, कॉलेज का बच्चा क्रिकेट खेलता है, पाकिस्तान में तो रोजाना की बुनियादों पर बच्चे स्कूल नहीं जाते लेकिन क्रिकेट के मैदान में आपको खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर तो सब कुछ मौजूद है, इसके बावजूद हम बेहतरीन टीम नहीं है, बेहतरीन सलाहियतों के हमें खिलाड़ी हमारे पास जरूर मौजूद है। तो आप कह रहे हैं कि चाइना में आप एक चिंगारी भड़काएंगे और उनके पास सचिन तेंदुलकर, ग्लेन मैकग्रा, इंडिया को हराने की बात करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर है जो क्रिकेट को बहुत बारीकी से समझते हैं, उनको पता है कि भारत की कमजोरी क्या है, पाकिस्तान की कमजोरी क्या है, वो अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। उन्होंने आईना दिखाया कि पाकिस्तान की टीम रियल में है क्या और भारत की टीम है क्या। ठीक है, आपने हफीज की गुफ्तगू सुनी और अब ये जो मैच है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट यूएई में खेली है लेकिन इंडिया के जो आईपीएल है वो भी यूएई में खेली जा रही है और वो इनविक्टो के मिजाज को समझते हैं, इनविक्टो से अब उनके जो प्लेयर हैं वो हम आहंग हो चुके हैं, तो इंडिया को कितना एडवांटेज होगा अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें? बिल्कुल फायदा होगा, एक तो उनकी जो क्यूरेटर्स है उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ गया होगा, उनको पता है कौन सी पिच पे कितना स्कोर करके उसको डिफेंड कर सकते हैं, ये भी उनको पता चल गया होगा। रही बात उनको वो जो कहते हैं ना कि एग्जाम देने से पहले आपको एक दफा उसका विजिट करना चाहिए ताकि आप उसके इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सके, तो वो भी अडेप्टेशन भी उनके पास आ गई, तो काफी एडवांटेजेस हैं। और इंडिया को एक प्लस पर पॉइंट और भी है कि उनकी इस टूर्नामेंट से नो डाउट लेवल बढ़ा है, प्रेशर बढ़ा है, अगर आप देखें उनके मैच बड़े क्लोज हुए तो वो प्रेशर हैंडलिंग भी उन्होंने इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ गेन किया होगा और उनको टीम तो उनकी अनाउंस होगी लेकिन उनको किस स्पॉट पे क्या रोल देना है उसका भी आइडिया हो गया होगा कि किस पिच पे, क्योंकि पिच रीडिंग यूएई में, शारजा में, दुबई में, अबू धाबी में पिच रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जो कि इंडिया के पास इस चीज का प्लस पॉइंट है राइट नाउ। ठीक है, अच्छा आपने खुद भी इंडिया का जब अंडर 19 का वाइस कैप्टन थे, मोइन खान कैप्टन थे, आपने इंडिया का टूर किया, जो टेंस सिचुएशन होती है दोनों टीमों के लिए, पाकिस्तान के लिए भी इंडिया के लिए भी, वो आपने खुद उस फ्लेवर को आपने टेस्ट किया हुआ है, तो पाकिस्तान में अब सीनियर प्लेयर इस वक्त कम है एज कम्पेयर टू इंडियन टीम, तो क्या ये नर्व्स का जो गेम है जिसमें आपको लगता है ऑन पेपर जो है वो इंडिया हम पे हावी है? बिल्कुल डेफिनेटली, देखें उनकी जो सिचुएशन हैंडलिंग है वो हमसे थोड़ी सी बेहतर है क्योंकि सिचुएशनों को वो भांप लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, उनमें ये एबिलिटी हमसे थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि अगर हम 2-3 विकेट गिरते हैं तो हम थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे चले जाते हैं, लेकिन अगर इंडिया को देखें तो इंडिया अटैकिंग पे जाता है, ये फर्क खत्म करना पड़ेगा पाकिस्तान को क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो शॉर्टर वर्जन क्रिकेट है उसमें आपके पास टाइम नहीं होता, जिसमें आप थोड़ा सा भी लंबा खींचेंगे तो आप मैच से हो जाएंगे, तो ये इस चीज फर्क को खत्म करना पड़ेगा और नॉन स्टॉप जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। नो डाउट आपको ऐसे मौके भी मिलते हैं जहां पे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, प्रेशर कम होता है, आपने उस प्रेशर को भी एंजॉय करना है, अदरवाइज आपके लिए वर्ल्ड कप में टाइम गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अगर पहला मैच खुदा ना खासा, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान इंडिया को बड़े मार्जिन से हराए और वो ट्रेडिशन भी चेंज हो जिससे हमें हमेशा रिजल्ट बुरे मिलते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड के, जी इन्होंने इंग्लैंड में इंडिया के अगेंस्ट कभी भी वर्ल्ड कप में मैच नहीं जीता, तो ये ट्रेडिशन भी अब चेंज होना चाहिए। ओ विश ऑल द बेस्ट, वो मैच जीतने से जिस तरह की एनर्जी मिलेगी या जिस तरह हम पाकिस्तान के लिए खेले अगेंस्ट इंडिया तो हमारा एनर्जी लेवल बहुत ऊपर होगा। आपने एनर्जी लेवल की बात की है, अब नर्व्स के इस टॉपिक को यहीं पे जरा मैं कंक्लूड भी कर दूं कि इंडिया ने अभी से जो है वो इस पे काम करना शुरू कर दिया और यही वजह है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे मिस्टर कूल ये चैंपियन कैप्टन को उन्होंने एज ए मेंटोर भेजने का फैसला किया, तो यहां पे उन्होंने इस चीज को समझा है। आपको लगता है कि आप
क्योंकि आपकी बात सुनी भी जाती है, आपकी बात मानी भी जाती है आप जैसे प्लेयर्स की, आपको लगता है पाकिस्तान को भी कोई ना कोई मेंटोर ऐसा भेजना चाहिए या कोई साइकेट्रिस्ट इस तरह का, साइकोलॉजिस्ट इस तरह का भेजना चाहिए? बिल्कुल, प्रेशर हैंडलिंग इज आर्ट, तो उस प्रेशर हैंडलिंग को किस तरह टैकल करते हैं, क्योंकि अगर वीवर चर्ड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, वो मेरी उससे एक दफा बात हो रही थी, तो वो कह रहा था कि जब तेज बॉलिंग हो रही होती है तो हर बैट्समैन घबराया होता है, लेकिन उसको टैकल करना होता है आपने, तो जो सिचुएशन बनती है उसको जिस तरह आपने टैकल करना होता है, अगर मेंटोर हो जाए, साइकेट्रिस्ट हो जाए, तो इससे अच्छी बात नहीं है। और एक अनसीन एनर्जी बंदे को फील होती है कि हमारे साथ एक मेंटोर है। और पाकिस्तान में और पीसीबी में होता क्या है, जरा करीब से समझने के लिए आपको ये फुटेज तो जरूर देखनी चाहिए, बहुत छोटी सी है। भारत के साथ भी हमारा मैच है, एक बड़ा टकराव होगा भारत के साथ पाकिस्तान का मैच होगा, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फोकस किस पे करना होगा, बैटिंग पे, बॉलिंग पे और फील्डिंग पे, खास करके बताइएगा कि उस पर कितना ज्यादा फोकस करना जरूरी होगा। देखिए, एक पता नहीं अब ये नेशनल रिकॉर्ड तो बन गया होगा, जितने पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने नेशनल टी ट्वेंटी टूर्नामेंट में कैचेस छोड़े हैं, जहां तक पाकिस्तान भारत का मुकाबला है, जितने ये माजी में हम ये कहते थे कि ये आसाब का मुकाबला है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम की ताकत उस वक्त जरा बेहतर होती थी और ज्यादा फर्क इंडिया पीछे पीछे चलता था पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की टीम ज्यादा अच्छा खेलती थी। लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो अगर आप कागजात के ऊपर देखें, टेबल पर बैठ कर देखें, या खिलाड़ियों को इंफरादी तौर पर आप चेक करना शुरू करें, मुवाजना करें, तो आपको लगता है इंडिया की टीम के पास ज्यादा बासलाहियत, ज्यादा परफॉर्मर्स, ज्यादा अच्छे मैच फिनिश करने वाले इंफरादी तौर पर भी और एक टीम की हैसियत से भी उनके पास ज्यादा अच्छी चीजें मौजूद है पाकिस्तान की नस्बत। लेकिन पाकिस्तान के पास जो एक चीज है कि जब ये टीमें आमने सामने आती हैं तो फिर खिलाड़ियों के अपने असल पोटेंशियल पर खेलने का एक मौका उनको मिलता है। टीम एफर्ट में अगर जाते हैं तो वो इंडिया की टीम पाकिस्तान से बेहतर है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस अगर तो होती है, इंफरादी तौर पर पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी उस दिन बहुत शानदार खेल का मुजाहरा करता है तो पाकिस्तान के इम्कान बढ़ जाएंगे। अगर हर खिलाड़ी छोटा छोटा अपना हिस्सा डालता है और टीम एफर्ट नजर आती है तो उसमें इंडिया को बढ़ती हासिल है। लेकिन हम ये कह सकते हैं बावजूद इसके भी कि भारत मुकाबला है, 20 ओवर की क्रिकेट है, एक दो ओवर मैच का नक्शा बदल देते हैं, तो हमें किसी के ऊपर बहुत ज्यादा इंसाफ करना पड़ेगा और एक मतलब फिर दुआओं वाला और अच्छा ठीक है इमरान, हमारे पास कहना है हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा कि क्या ये पाकिस्तान का जो सिलेक्ट करता है ये बेहतरीन स्क्वाड है? नहीं, आपको भी पता चले ना कि ये सिलेक्शन का मायार क्या है, पाकिस्तान की आवाम को भी पता चले ना कि ये जो गुज़िश्ता 3 बरस तक पाकिस्तान क्रिकेट के फंड है वो कौन इस्तेमाल करता रहा है, किस काम के लिए इस्तेमाल करता रहा है, जो आज हमें 3 साल के बाद या 4 साल के बाद जब वर्ल्ड कप आता है हम पुराने खिलाड़ियों की तरफ लौट कर जाते हैं, तो वो 4 साल का हिसाब भी कोई इनसे ले, इनका हिसाब कौन करेगा? 100 बातों की एक ही बात है, नीम का पत्ता। अगर आप क्रिकेट के लवर हैं और आप क्रिकेट की बारीकी को जानते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ है, क्योंकि जो एनालिसिस इन क्रिकेटरों ने किया है, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने, तो वो बिल्कुल फैक्ट भी है और जेन्युइनली फैक्ट है और अच्छी बात की इन लोगों ने और जेन्युइन पॉइंट पर बात की, ये मुझे भी अच्छी लगी। और वैसे भी आपका भाई क्रिकेट में रोस्ट करता नहीं है, क्योंकि क्रिकेट रोस्ट करने के लिए नहीं है, इंजॉय करने के लिए होती है, ऐसा मेरा मानना है। माय आंसर आल्सो द सेम, नथिंग, नो डिफरेंस। अभी आपका फर्ज ये बनता है, आपका कर्तव्य ये बनता है, आपको करना है एक प्यारा सा कमेंट पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए, पाकिस्तानी क्रिकेटर को, पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को, तो ऐसा धासू कमेंट कीजिए कि कोई भी पाकिस्तानी पढ़े तो बस उसके तन बदन में आग लग जाए। सही बात है। और दूसरा, इस वीडियो को कर दीजिए आप शेयर जहाँ भी आप कर सकते हो। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका भाई की इंस्टाग्राम आईडी भी है, आपका भाई का ब्लॉगिंग चैनल भी है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार लिंक को क्लिक करो, जाके देखो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। नहीं, आपका भाई पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। सब लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जै श्री राम।